अगर सुव्यवस्था कोई बिगाड़ रहा है तो वो सिर से नहीं बिगाड़ रहे, और उनके पीछे जिनका सपोर्ट है वो है मुख्यमंत्री साहब। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है। अगर हिंसा और कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पे चलने वाले शिवसैनिकों की। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दी थी और आज वो मुंबई पहुंच गई हैं। उनके मुंबई पहुंचते ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और तमाम शिवसैनिक मातोश्री को घेर कर बैठ गए हैं। नवनीत राणा के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर नवनीत राणा यहाँ पहुंचती हैं तो उन्हें प्रसाद दिया जाएगा। वहीं नवनीत राणा भी हती नेता हैं और वो भी कदम पीछे ले नहीं रही हैं, जबकि मुंबई पुलिस का नोटिस उन्हें मिल चुका है। सुनिए किस तरह से अमरावती की सांसद नवनीत राणा उद्धव पर अपनी भड़ास निकाल रही हैं और उनके पति रवि राणा जो कि एक विधायक हैं, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री आणि मंत्री त्यांचे मुलं झालेले आहे, तुम्हाला वाटते ते लाभ घेण्याची सवय उद्धव ठाकरे साहेबांना आणि त्यांची पिढीला आहे, आम्हाला नाहीये। हनुमान चालीसा जर पठन करून जर भलं होतं असेल, हनुमान चालीसा जर पठन करून जर भलं होतं, हिंदी में कौन है और हिंदी में मुंबई पुलिस ने नोटिस भी दिया आप लोगों को, इसके बावजूद भी आप लोग क्या कर मातोश्री जाने वाले हैं या अपने प्लान को कैंसिल कर रहे हैं? हमारा भक्ति भाव से बाला साहब ठाकरे हमारे हृदय में, मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है। मैंने एक ही मांग की थी कि हनुमान जयंती के शुभ पर्व पे वहाँ पे उद्धव साहब ने मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए और उनके ऊपर जो ग्रहण चल रहे हैं, साढ़े साथी चल रही है, संकट चल रहे हैं, उसमें से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना उनको जरूरी है। पर हनुमान जयंती के शुभ पर्व उन्होंने हनुमान चालीसा ना पढ़ते हुए वह हमारा विरोध किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया, नारेबाजी दी हमारे खिलाफ और हमने रहा देखा 12 बजे तक रात को हनुमान जयंती के दिन कि कहीं ना कहीं बाला साहब के विचारों पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जो महाराष्ट्र के किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, महाराष्ट्र में जिस तरह से परिस्थिति चल रही है उसमें से बाहर निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पर उन्होंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं और हमारा विरोध किया, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ पर जो आए, हमको बार बार बोला गया कि मुंबई में पैर रखो, मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए और वहाँ पे कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे, हमारे जितने कार्यकर्ता महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कहीं भी कायदा सुव्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए और कोई भी लोग यहाँ नहीं आना चाहिए, इससे मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा। और हनुमान चालीसा इतना विरोध करने का उद्धव जी का क्या कारण है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाला साहब के विचारों का विसर उनको पड़ा है, बाला साहब के विचारों को काजू में रख के महाविकास आघाड़ी के विचारों पे वो चल रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है। और कलम जी, जी इसमें बताया जाए शिवसेना बोले कि हनुमान चालीसा का विरोध नहीं कर रहे, बोले कि आपने घर में पड़े मातोश्री के बाद पढ़ने का है, उन्होंने बोला हमारे घर पे पढ़ो, हमने हनुमान जयंती के दिन पढ़ा, हमने बोला था महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से परिस्थिति है, जिस तरह से विघ्न चल रहे हैं, साढ़े साथी चल रही है और महाराष्ट्र में सब कुछ 2.5 साल से ठप्प पड़ा हुआ, मुख्यमंत्री जी अगर 2 साल 2.5 साल मंत्रालय जाते नहीं, विदर्भ के कोई जिले में आते नहीं, किसानों के बांध पे जाते नहीं और हमारे जैसे आमदार खासदार मंत्रियों को मिलते नहीं, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है या नहीं है ये सवाल महाराष्ट्र की जनता का है। और आज हम हनुमान चालीसा इसीलिए पढ़ने आए हैं कल कि यहाँ पे सुख शांति के लिए, विकास के लिए, जनता के हित के लिए और जनता के सभी प्रश्न छोड़ने के लिए हनुमान चालीसा, हमारे हिंदू धर्म में जब जब संकट आता है तब तब हम हनुमान चालीसा पढ़ते, वो मुख्यमंत्री पढ़ना चाहिए और बाला साहेब ठाकरे के विचारों को जागरूक करना। पुलिस ने सीआरपीसी के तहत आप लोग को नोटिस दिया है, आपको फिर भी उस नोटिस को उल्लंघन करेंगे, फिर भी जाके करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो कौन से, इसीलिए सबको रोक दिया हम ही जा रहे हैं। जो जैसे आपने बताया है कि हम जब अमरावती से निकलने की आज हमने तारीख दी थी कि आज हम ट्रेन से सब कार्यकर्ताओं के साथ आज निकलेंगे, तो जैसे ही हमें कल पता लगा कि हमें फिर वहाँ पे डिटेन करने वाले हैं, मुझे लगता है लोक प्रतिनिधि की लड़ाई जो रहती है, जो विचारधारा लेके हम आगे बढ़ते हैं उसका साथ देना, ये मुख्यमंत्री जिस महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ और आमदार जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं या कोई टेररिस्ट नहीं है,
हमको पहले आह्वान किया गया कि आप मुंबई में पैर रख के दिखाइए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनको उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया। और आज उसी के मुताबिक सिर्फ पैर डाल के देखो, हम तो पूरे साक्षात यहाँ पे बैठे हैं और उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। और मुझे लगता है जो आस्था का विषय, जो धर्म का प्रचार प्रसार करना है, मेरी पहले की पीढ़ी भी, मेरे पेरेंट्स के भी पहले पेरेंट्स ने भी धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने भी किया, मैं भी करूँगी और मेरी आने वाली पीढ़ी भी करेगी, उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर रही बात साढ़े साती और शनि जो मेरे महाराष्ट्र को लगा, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के हैं, अगर ऐसा लगता है कि दो साल ढाई साल वो ऑफिस जाएगा नहीं, एक आधा सादा व्यक्ति अगर दो साल अपने ऑफिस जाता नहीं है तो मुझे लगता है कोई उसे पगार भी देता नहीं है। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है और उसके बावजूद वो इतना सारा ढाई साल उन्होंने निकाल दिया और हमारे महाराष्ट्र के किसानों को संकट में डाली है, हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को संकट में डाली है, रोजगार नहीं है, लोड शेडिंग इतनी बड़ी हुई है कि हमारे जो मंत्री हैं डिपार्टमेंट के, वो बोलते हैं कि तीन दिन पूरी महाराष्ट्र अंधेरे में भी जाएगी तो किसी ने भी शॉक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सिचुएशन हमारे महाराष्ट्र में ये डिपार्टमेंट की है। पहली बात तो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ों पे उत्तर देना चाहिए। और बिन पगारी तो मुख्यमंत्री हैं। आज मुझे लगता है जो हमने कहा है, पुलिस ने जो हमको नोटिस दी है कि आप सुव्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न ना करें, मुझे लगता है हम तो अभी फिलहाल दो ही जने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। अगर सुव्यवस्था कोई बिगाड़ रहा है तो वो शिव सैनिक बिगाड़ रहे हैं, और उनके पीछे जिनका सपोर्ट है वो है मुख्यमंत्री साहब। अगर इतना विरोध सिर्फ हनुमान चालीसा को क्या है, क्यों है, ये उत्तर उन्होंने देना चाहिए। जिस विचारधाराओं पे आज तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकी हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी आज मंत्री है, जो मंत्री बनकर अपना राज पूरा महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, उन्होंने ये दिखाना बताना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा बाड़ा साहब जो दी हुई थी वो कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं। तो मुझे लगता है साढ़े साथी और संकट मेरा महाराष्ट्र का है, उसके लिए हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं। शिव सैनिकों का कहना है कि वहां जाएंगे तो अपने तरीके से आप लोगों का स्वागत करेंगे, प्रसाद देंगे, हनुमान बना देंगे आप लोगों को। मुझे लगता है शिव सैनिकों का इसी तरीके से बहुत सालों से यही काम रहा है, सिर्फ धमकियां देना और धमकियां लेके थोड़ी बहादुर धमकियां, यही काम शिव सैनिक ने बहुत सालों से कर रही है। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो ज़्यादा पावर आ गया है, तो मुझे लगता है वही शब्द उनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वही शब्द शिव सैनिकों के जबान पे। और बाड़ा साहब के विचार अगर रहते तो हनुमान चालीसा का विरोध कभी शिव सैनिक, जो रियल शिव सैनिक है जिसने ग्राउंड पे काम किया है, जो ग्राउंड से शिवसेना का निर्माण किया, वो एक भी शिव सैनिक यहाँ पे नहीं है जो नारे मुर्दाबाद के लगा। संजय राउत जी के बारे में क्या बोलना है, रोज ही पोपट जैसे बोलते बेचारे, कुछ मिर्ची दे दो तो शांत तो बैठेंगे थोड़ा सा। नहीं नहीं, संजय राउत जी नागपुर में जो गए हैं उनको मालूम है अमरावती में शिवसेना बची नहीं है, उन्होंने जाते ही मीटिंग लिया शिवसेना की कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन में आमदार रवि राणा नवनीत राणा चाहेंगे तो उनको रोको, नागपुर से वो लोग भेजने वाले थे। मुझे लगता है मुझे रोकने के लिए, हमको रोकने के लिए संजय राउत को नागपुर भेजा गया है मातोश्री से और उद्धव जी ने भेजा है, और उसकी बैठक ही उन्होंने पहले सुबह वहाँ पे ली कि अगर हम मुंबई के लिए जाते हैं तो रेलवे स्टेशन रोकने के लिए नागपुर से शिवसेना जाने वाले, अगर संजय राउत को हमको रोकने के लिए नागपुर जाना पड़ता है, ये परिस्थिति शिवसेना की। अभी राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री मातोश्री पे बैठे, मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का एक हमारे हृदय में है, और मुझे लगता है उन्होंने खुद अभी बोलना चाहिए कि शिव सैनिक और वो खुद मिलके आओ, आप सब मिलके वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ो, इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री का फर्ज। अगर मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है और हिंदुत्व को सिर्फ वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है तो बात अलग है, आने वाले टाइम में हिंदू भी उनको बताएंगा कि वोटिंग के टाइम पे हमारा यूज नहीं, हनुमान चालीसा के टाइम पे हमारा यूज। कानून व्यवस्था कल खराब होती है तो जिम्मेदार शिव सैनिक होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। हम शांति के मार्ग पे आए हैं और हमने तो अपने लोगों को आह्वान किया है कि जहाँ पर आपके माध्यम से मैं आह्वान फिर करना चाहूंगी, जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता और राम भक्त हैं और हनुमान संकट मोचन जी के भक्त हैं, जो भी आने की तैयारी कर रहे हैं और जो मुंबई से भी जितने भी भक्त आने की तैयारी में थे, उनको मैं यही आह्वान करूंगी
कि मुंबई की सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, जहाँ पर है वहाँ पर ही आप थमिए। हम दोनों पर ये बात जरूर है कि हम दोनों जाएंगे और शांति के मार्ग पे हनुमान चालीसा का पाठन हम जरूर करेंगे। अगर हिंसा और कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पे चलने वाले शिवसैनिकों की होगी। ये हनुमान चालीसा पढ़ना और मुख्यमंत्री मतलब महाराष्ट्र की साढ़े साथी दूर करने की जो बात कर रहे हैं, सेना का कहना है कि ये महज पब्लिसिटी स्टंट है, आप पब्लिसिटी करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का इतना विरोध क्यों कर रहे? पहली बात, पहली क्वेश्चन, अगर पब्लिसिटी है तो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति आज है, आज पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र राज्य में दो ढाई साल से मेरे को लगता नहीं कोई भी राज्य में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या राज्य का दूसरा मुख्यमंत्री अपने मंत्रालय गया नहीं, कोई राज्य के कोई जिले में गया नहीं, किसी तरह का डेवलपमेंट करता नहीं है, किसी MLA MP मिनिस्टर को मिलता नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति अगर मुख्यमंत्री की है तो उस विघ्न से बाहर निकलने के लिए पूरे शिवसैनिकों ने मातोश्री पे बाला साहब के विचारों को जागरूक करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की आज जरूरत है।